दिल्ली में सरगर्मी आपको IRCTC की तरफ से आती हुई दिख रही है। ध्यान दीजिए, ये स्टॉक आपको बिल्कुल स्प्लिट से पहले बहुत शानदार मोमेंटम में ट्रैक करता हुआ दिख रहा था, और दीपाली नंदा जी जो बहुत लंबी समय से रियल एस्टेट स्पेस को रेलवे स्पेस को ट्रैक करती हैं, वो हमारे साथ जुड़ती हुई। दीपाली जी, क्या खबर आपके पास 3700 को पार करता हुआ IRCTC? तो बिल्कुल IRCTC के हिसाब से एक और अच्छी खबर है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं अब हालात सामान्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फुटफॉल रेलवे स्टेशनों पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अब IRCTC फोकस कर रहा है रेलवे स्टेशनों पर एग्जीक्यूटिव लाउंज और फूड प्लाजा के बिजनेस को एक्सपेंशन करने का। हमें ये सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि जल्द ही IRCTC पटना, बनारस, लखनऊ और चंडीगढ़ जैसे शहरों में एग्जीक्यूटिव लाउंज रेलवे स्टेशनों पर और फूड प्लाजा खोलने जा रहा है। अभी की बात करें तो दिल्ली, जयपुर, आगरा समेत 12 शहर ऐसे हैं जहां पर ये एग्जीक्यूटिव लाउंज की सुविधा IRCTC की तरफ से दी जा रही है। अगर मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करूं शहर जी, तो पहले यहां पर प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर एक एग्जीक्यूटिव लाउंज था, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर वर्ल्ड क्लास एग्जीक्यूटिव लाउंज यहां पर बनाया गया है। अब ये एग्जीक्यूटिव लाउंज में है क्या, तो बेसिकली जिस तरह की सर्विसेज, जो फैसिलिटीज हमें एयरपोर्ट पर मिलती है जब हम वेटिंग करते हैं, उसी तरह की सर्विसेज अब रेलवे पर भी मिलेगी। अगर मैं कमाई की बात करूं तो सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है कि एक एग्जीक्यूटिव लाउंज से 60 से 70 लाख रुपए तक की कमाई IRCTC को फिलहाल हो रही है। उम्मीद ये है कि जैसे जैसे पूरी तरह से सामान्य होंगे हालात, ये कमाई और भी आगे बढ़ेगी। वही लागत की बात करें तो 2 से 4 करोड़ रुपए की लागत आती है एग्जीक्यूटिव लाउंज को सेटअप करने की। इसके अलावा दीपाली जी, जरा एक मिनट आप थोड़ी सी सांस लें, स्टॉक जरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। मैं चंदन जी से व्यू ले लूं, फिर इस खबर पर हम लोग और टिप्पणी करते हुए दिखेंगे। चंदन जी, 7-8 दिन 3 दिन की गिरावट के बाद IRCTC निकलता हुआ 3746, कुछ टिप्पणी आप करना चाहेंगे इस तेजी पर? जी सर जी, देखिए ओवरऑल पॉजिटिव व्यू IRCTC पे हम रख रहे हैं। जरूर पिछले 2 दिन में थोड़ा सा कंसोलिडेशन और डिप देखा था, बट ये डिप बिल्कुल खरीदारी में तब्दील होता हुआ नजर आएगा। और आप देखोगे IRCTC के ऐप पे मैं 2 दिन से देख रहा था कि मतलब ऐप में इतनी ज्यादा बुकिंग हो रही है कि आपका जो वेटिंग और जो बुकिंग टाइम है बहुत लग रहा है। तो कहने के पॉजिटिव बायस है, सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव है, और जो ओपन अप थीम है उसका सबसे बेस्ट प्ले IRCTC से देखने को मिलेगा। तो हमारे फाइनल टारगेट 4000 है, बट इंट्राडे बेसिस पे बात करें तो 3680 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी इंट्राडे 3820 के टारगेट के लिए। 3820 का लक्ष्य आप यहां पर साध सकते हैं। दीपाली जी माफ कीजिए, मैंने आपको बीच में रोका, काउंटर भागता हुआ आपकी खबर पर, अब अपनी खबर पूरी समाप्त कीजिए आप। कि बिल्कुल एक और जो जानकारी मैं इसके साथ देना चाह रही थी कि एग्जीक्यूटिव लाउंज के साथ साथ फूड प्लाजा खोलने पर भी फोकस करती हुई नजर आ रही है IRCTC। हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि अगर अगले 6 महीने की बात की जाए तो 25 के करीब फूड प्लाजा अलग अलग शहरों में खुलते हुए दिखाई देंगे। तो अब कोशिश IRCTC की तरफ से यही की जा रही है कि जिस तरह से ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है, सर्विसेज को एक्सपेंड किया जा रहा है, वो एग्जीक्यूटिव लाउंज और फूड प्लाजा के बिजनेस पर भी फोकस करती हुई दिखाई देगी। चलिए दीपाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस शानदार खबर का। और आपके सामने अब लगभग समझिए 8,75,000 शेयर IRCTC के ट्रैक होते हुए। वीरेन जी, एक नजर आपकी इस स्विंग ट्रेड पर जो स्क्रीन पर है। जी शैल जी, देखिए अच्छी खबर, और अच्छी खबर से पहले एक अच्छी बात इस स्टॉक में यह हुई थी कि हमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिल गया था। हमें 2 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड मिला था जब ये स्टॉक समझ लीजिए कि 3839 से रिट्रेस हुआ था 10 डेमा तक 3554 तक। तो 300 रुपये का एक बहुत साइजेबल अच्छा रिट्रेसमेंट था। मेरे ख्याल से शैल जी, पहला इसका अगर आप देखें इस खबर का टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा करीब करीब समझ लीजिए कि आप 3780-3800 के आसपास। ये पिछली 2 दिन की कैंडल का एक सबसे महत्वपूर्ण जोन है। ट्रेवल करता हुआ 3740-3742, और मेरे ख्याल से शैल जी एक पिवट पॉइंट है इसका इंट्राडे में, और वो है 3750। इसके ऊपर ट्रेवल करेगा तो पहला 30 रुपये का स्विंग करीब करीब 3780 तक का इस स्टॉक में आएगा। तो मोमेंटम अच्छा है आपकी स्क्रीन पर, कोई ऑफ है तो बेटर है कि आप कैश में ट्रेड करें, वो बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। और अगर इंट्राडे में आप ट्रेड ले रहे हैं तो अभी खरीदारी कर सकते हैं। 3640 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, और मेरा समझना है कि 3900 तक के लेवल्स आपको शायद आज इंट्राडे में ही IRCTC में देखने को मिलेंगे।
व्यक्ति आपके सामने इस काउंटर पर आती हुई, ध्यान दीजिए हल्की सी सांस ले रहा है ये, और फिर कभी कभी क्या करता है कि जब हल्का सा सेलिंग प्रेशर हटता है तो उसके बाद बढ़िया मूव आपको वापस जुड़ता हुआ दिखेगा। फिलहाल